हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और फिर से मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपना बेड ही ठीक करते हैं। और आजकल मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ, 6:30 में नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है। पहले तो वो भी 5 बजे उठता था, अब तो 4 बजे, 4:30, 5:45 तक तो उठना ही उठना है। और आराम से खेल के और 5:45 तक ये सो जाता है, थोड़ी देर के लिए सोता है और फिर सुबह में उठ जाता है। तो पता नहीं ये रात में ही थोड़ा सा आराम से जो सोता है वही, उसके बाद ये बहुत ही कम सोता है, जिसकी वजह से मेरा भी नींद पूरा अच्छी तरह से हराम हो चुका है। क्योंकि दिन में भी मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहो तो अच्छे से नहीं हो पाता है। अभी मैं इसके साथ सोई हुई हूँ और जिस तरह से इसको मतलब फीट करा रही थी, एकदम सेम उसी तरह से हिल नहीं रही हूँ, तभी ये चुपचाप से सो रहा है और मैं यहाँ बोल रही हूँ। कभी भी ये उठ सकता है, लेकिन मुझे करना ही है, वीडियो एडिट करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि फिर से ये उठ जाएगा और शाम में इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए मैं आज ही मतलब अभी ही कर रही हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों को बता दूँ, कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। मतलब कई लोग बोलते हैं कि आप ब्लॉग में ये सब भी बता दिया करो, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। नहीं तो अचानक से कल ही मुझे छोटा सा वीडियो डालना पड़ता, मतलब क्योंकि जैसे पिछले बार डाली थी मैं, तो क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर हो, मेरे फैमिली हो, अगर आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता होगा तो मेरे थ्रू पता चल जाएगा, तो अच्छी बात है। इस वजह से मैं आज ही बता दे रही हूँ। तो यहाँ मेरी ननद है, मैं ननद से बात कर रही और अपना काम भी कर रही थी। चंद्र ग्रहण का टाइम भी बता देती हूँ, 5:10 शाम में 5:10 से स्टार्ट होगा और 6:19 में ख़त्म हो जाएगा। बाकी वीडियो तो बहुत तरह का यूट्यूब पे लोग डालते हैं, सब अपना अपना हिसाब से डाल देते हैं, अपना पत्रा देख के डाल देते हैं, अपने जानकारी के हिसाब से डाल देते हैं। तो इसी तरह मैं भी अपने जानकारी के हिसाब से बता रही हूँ कि 5:10 से लेकर 6:19 तक चंद्र ग्रहण है। अगर आप लोग में से कोई भी प्रेग्नेंट है तो उतना देर बाहर नहीं निकलिएगा और कोई चीज़ कट नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा समझो। तो बस अगर धार्मिक बुक पढ़ना होगा तो पढ़िएगा। चंद्र ग्रहण में प्रेगनेंसी वाले वोमेन के लिए यही होता है। बाकी ये सब भी माना जाता है कि अगर आपके घर में कुछ खाना है जो कि बचा हुआ है या फिर कुछ भी है, उसमें तुलसी या फिर ये रख दिया जाता है, कुश रख दिया जाता है, तुलसी का पत्ता या फिर कुश रख दिया जाता है, तो वो खाना शुद्ध रहता है। नहीं तो माना जाता है कि वो अशुद्ध हो गया खाने, मतलब चंद्र ग्रहण के बाद उसको नहीं खा सकते हैं। तो अगर कुछ बचा हुआ है जो कि आप खाना चाहते हैं, तो उसमें तुलसी रख दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये काम हम लोग भी करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रहता है लेकिन उसको यूज करने में मन नहीं मानता और फेंकना पड़ता है। तो सबसे पहले जब बाबू उठता है तो नीचे जाता है, अपने दादाजी के साथ थोड़ा खेलता है, इधर उधर खेल वेल करके तब मेरे पास आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके साथ हूँ और मीठी के साथ खेल रहा था, वो बहुत अच्छा से हंसी लगाती है। ये दोनों का बहुत अच्छा बन गया है। ये 5 मंथ में ही जब एंटर किया था तब से ही ये रिस्पॉन्स कर रहा है अपनी दीदी के हर बातों का, और बहुत अच्छा दोनों का बॉन्डिंग बन गया है। अभी हंसी नहीं आ रही है? पूछो, अभी हंसी नहीं आ रही है? अभी हंसी नहीं आ रही। मम्मा इसको टिकल लगाओ ना, खुद कर ली। नहीं, बच्चे को टिकल नहीं करना चाहिए। Yeah.
यहाँ पे मालिश कर रही हैं। आज रिक्स लेकर के मैं ये वाला वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि विदाउट नैपी या फिर विदाउट डाइपर मतलब इस तरह से रखना थोड़ा यूट्यूब के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे ब्लर कर दिया जाता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आज डाल रही हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो पता नहीं क्या, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब आप कोई काम कर रहे हो और उस पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फालतू में माथा पेची हो जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले रही थी, बट आज रहने दिया है। जो मैं मतलब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने बार मालिश होता है बाबू का और क्या, तो मैं बता दूं कि 2 बार मालिश होता है, ज़्यादातर 2 ही बार मालिश हुआ है। बहुत कम ही ऐसा हुआ कि 3 या 4 बार मालिश हुआ है, 4 तो बहुत ही कम, 3 बार ही मालिश हुआ है, वो भी कुछ ही दिन तक ऐसा हुआ है। अभी 2 ही बार लग रहा है तेल। सोचते हैं लोग कि 3 बार लगाया जाएगा, लेकिन 2 बार लग जाए वही बड़ी बात है, 2 बार में ही बहुत मुश्किल से लगता है। पहला जो रहता है वो एकदम ध्यान से लगता है कि हाँ लगाना है, दूसरा तो मतलब कभी किसी दिन थके हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो तीसरा तो सोचो ही मत, बस दिमाग में आता है कि हाँ 3 बार लगाया जाए तो अच्छा है। और कौन से ऑयल से लगाते हैं, तो हाँ मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था ऑलिव ऑयल, और उसके बाद मैं मंगवाई थी ये क्या बोलते हैं कोकोनट ऑयल, लेकिन वो जिस दिन मैं यूज की थी उसी दिन बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि वो ठंडा होता है तेल, और उसके बाद मैं AC में फुल नाइट रखी थी और बाबू का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब सर्दी से बहुत कफ जम गया था, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया ना कि उसके बाद मैं वो वाला ऑयल यूज करना ही छोड़ दी। और उसके बाद से थोड़ा बहुत ठंड भी आ गया, और बिहार में थोड़ा ज़्यादा ही ठंड है, जैसे कि कहीं कहीं जगह पर होता है ना कि कम ठंडा होता है, जैसे गांधीनगर गुजरात सूरत इन सब जगहों पर ठंड बहुत ही कम मात्रा में आता है। समझो कि बिहार में जहाँ 100 है वहाँ 10 या 15% सूरत वगैरह में आता है, ये मान लो 25% तक आ सकता है, तो उन सब जगहों पे यूज किया जा सकता है। बट इधर मस्टर्ड ऑयल यूज करो तो सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तेल बहुत गर्म होता है। अगर अपने से मतलब जो निकालना बोलते हैं अपने से जो पिराया हुआ जैसे कि मशीन से जो बनता है तेल वो लाओ तब तो सबसे बेटर है, और नहीं ऐसे भी लगा सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। और बहुत सारे लोग बोलते हैं लाल तेल डाबर को पता नहीं कौन कौन सा, तो मैंने यूज़ नहीं किया है। मीठी वाले में भी मीठी के टाइम में भी मैंने यूज़ नहीं किया था, और अभी भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। सबसे आराम से घर में ये तेल रहता है और इसे लगा दो, और ये तेल गर्म भी होता है बहुत सारे चीज़, जैसे सर्दी है तो इन सब चीज़ों में जो नुक्स का होता है पता नहीं क्या होता है, तो उन सब चीज़ों में यही तेल यूज होता है, तो क्यों नहीं यही यूज किया जाए। तो इसलिए मैं बस सिंपल सा तरीका अपनाई हूँ, बस यही तेल लगा रही हूँ। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रीम मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं कोई क्रीम नहीं यूज़ करती, बस नहलाती हूँ तेल लगाने के बाद, नहलाती हूँ और नहलाने के बाद बस काजल का एक टिक्का लगा देती हूँ। मम्मी जी कभी कभी आँख में काजल लगाती है, और क्रीम अभी नहीं लगा रही हूँ। बाबू को जो एक लोशन मिला था आप लोगों को याद होगा मैंने दिखाया हुआ है, डॉक्टर ने बताया हुआ था वो वाला लोशन, वही लोशन मैं फेस में लगा देती हूँ और ऊपर से पाउडर लगा देती हूँ अगर किसी दिन लगाती हूँ, नहीं तो किसी दिन नहीं भी लगाती हूँ, किसी दिन लगा लेती हूँ किसी दिन नहीं लगाती हूँ। अभी मैं लेने वाली हूँ क्रीम, कौन सा यूज करूँगी, हो सकता है या तो मामाअर्थ का यूज करूँ या फिर हिमालय का, क्योंकि मीठी के टाइम में मैंने हिमालय का ही यूज किया था, तो हो सकता है वही यूज करूँ। अभी फ़िलहाल ये लोशन है तो मैं ये लोशन ही लगा दे रही हूँ, और बाबू को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे करवा रही हूँ, ऐसे ही कभी कभी याद आता है तो मैं कर देती हूँ, ये नहीं कि मैं डेली ही ऐसा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे खिलाने में भी अच्छा लगता है, ये खेल का भी एक हिस्सा है, इस तरह से करो तो बच्चे को अच्छा लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, जब वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है अच्छा से हंसता है तो अच्छा लगता है, तो मैं ये सब मतलब इस टाइम पर करती रहती हूँ। और ये अभी मैं स्लो मोशन की हूँ, ये देखिए आप लोग पूछते हैं ना कि मतलब बोलते हैं कि मेरा बाबू उल्टी कर रहा है, मेरी बेटी उल्टी कर रही है, क्या करें। आप लोग कोई भी टेंशन मतलब ये नॉर्मल ही है, क्योंकि डॉक्टर भी इसका कोई उपाय ज़्यादा नहीं बताते, डॉक्टर बोलते हैं कि जो पिया वो दूध उससे उसके पेट से ज़्यादा हुआ वो निकाल दिया। अब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि यार कितना कम पीता है उसमें भी इसके पेट से ज़्यादा क्या हो गया कि निकाल दिया, सच में मुझे भी समझ में नहीं आता है। लेकिन बाबू भी बहुत ज़्यादा उल्टी करता ही है, ऐसा नहीं है, अब मतलब 4 मंथ से पहले बहुत ज़्यादा ही करता था, 4 मंथ के बाद थोड़ा कम कर रहा है, कर तो रहा है बट थोड़ा कम कर रहा है, ये नहीं है कि फीड कराओ और कर ही दिया, मतलब किसी भी टाइम कर सकता है। जैसे अभी फीड किया हुआ है इसका बहुत देर हो गया, मतलब फीड किया मालिश करने के बाद, उसके बाद बहुत देर इधर मतलब थोड़ा आराम किया, उसके बाद नहाया है, नहा करके आया तो मैं इसको कपड़ा पहना रही थी तब देखो उल्टी कर दिया, तो फीड किया हुआ कितना देर हो गया, अभी ये फीड करेगा उससे पहले ये निकाल दिया। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लेना कि बाबू उल्टी कर रहा है तो क्या करे क्या नहीं करे, ये सब नॉर्मल है, इसका कोई ज़्यादा इलाज भी नहीं है।
मीठी के टाइम में भी मीठी भी बहुत की थी। तो ये है काजल जिसका मैं टीका लगाती हूँ और इसी से मम्मी काजल भी करती है। मैं बहुत कम, मुझे पसंद नहीं है काजल क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं, इसलिए देखने में तो अच्छा लगता ही है तो इसलिए मैं ज़्यादा काजल नहीं लगाती हूँ। अभी मैं सामने से मिलूँगी। सो गाइस बाबू सो गया है, ये देख सकते हैं, और ये बहुत ही कम देर के लिए सोता है। अभी मैं इसके साथ सोई थी तो इसलिए ये सोया हुआ था। ये सो गया है और इसको सुलाना अभी पता नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब जिस पोजीशन में ये सोया हुआ था ना उसी पोजीशन में मैं थी और उसी पोजीशन में मतलब सो करके वीडियो एडिट कर रही थी। और आप लोगों से बहुत दिनों से मतलब मैं बात करना चाह रही थी लेकिन बात करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कैसे 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 समय बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बाबू 5 मंथ कंप्लीट कर चुका है, 6 मंथ में एंटर हो गया है और जो भी इसका माइलस्टोन है वो सही जा रहा है। मतलब जैसे जो होना चाहिए 6 मंथ एंटर होने में या 5 मंथ तक के बच्चे में वो सब है, सही है सब। लेकिन मेरा पता नहीं सही नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोग अपना बताना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सी सेक्शन हुआ है तो जैसे कि जो मेन जहाँ पे टाका होता है वो तो चलो ठीक है, वहाँ पे भी ऐसा मतलब 5% या 10% मुझे ऐसा लगता है कि दर्द वहाँ पे भी है। लेकिन जो अंदर का जो स्टिचेज होता है वो अभी भी हील नहीं हुआ है। तो आप लोगों का हुआ है क्या बताइएगा, क्योंकि मुझे मतलब नॉर्मल फील नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बच्चे को पेट पे चढ़ा करके खिलाना या फिर बात करना बच्चे से, अपने खुद के बच्चे से जो छोटा बाबू है उनसे भी, जैसे उसे भी अगर गोद में ले करके ऐसे करके और बात करेंगे ना तो पेट पे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि तुरंत दर्द होने लगा, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल अभी भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है पता नहीं मीठी के टाइम का मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है क्योंकि उस टाइम में मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी और इतना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो सही हो जाना चाहिए क्योंकि अभी 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। लोग बोलते भी है कि नॉर्मली 6 मंथ तक जो है ये सही हो जाता है लेकिन अभी तक मेरा सही नहीं हुआ है और पता नहीं कब तक सही होगा। मतलब अंदर का जो भी स्टिचेज है वो नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी भी दर्द करता है। अगर पेट के बल सोती हूँ तो भी दर्द करता है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मुझे डॉक्टर पास जाना होगा लेकिन दर्द करता है, नॉर्मल नहीं हुआ है। और बाबू को पेट पे खड़ा करके बात करो तो वो मतलब 2 मिनट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब उतना भी नहीं कर सकते सोचो। तो बस यही है कि टाँके में जो प्रॉब्लम है शायद अभी तक है ही, और पता नहीं आप लोग बताना तभी मुझे पता चलेगा कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है या फिर ये नॉर्मल है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, और वो ब्लॉग आज से ही कंटिन्यू होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा मैं वीडियो नहीं डालना चाह रही हूँ। 10 मिनट से ज़्यादा मैं डालना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी ये 12-13 मिनट का हो ही गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज नहीं कल चंद्र ग्रहण है, वैसे तो आज ही 4 बजे से पूर्णिमा स्टार्ट है तो आज जो लोग समा खेलते हैं ना गाँव में उनके लिए मतलब पूर्णिमा है, सही शाम में समा फंस जाएगा क्योंकि 4 बजे से समा है, सॉरी पूर्णिमा है, लेकिन कल पूरा दिन शाम तक रहेगा। तो कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है, 5:10 से स्टार्ट है और 6:19 में ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने ये वाला भी इसी वीडियो में बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।